अच्छा देखिए, क्योंकि ये आप में से सभी की पहली फिल्म है, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि पहला दिन जो था वो कैसा रहा आपका सेट पे? I remember मेरे फर्स्ट शॉट के लिए मैं बहुत नर्वस था. मुझे बस बैकग्राउंड में खड़े होकर क्लैप करना था, फिर भी मैं बहुत नर्वस था. और शॉट खत्म होने के बाद जोया ने माइक पे कहा, दिस वॉज डिलीज फर्स्ट शॉट, और फिर सेट पे जो भी लोग थे उन्होंने मेरे लिए क्लैप किया. तो बहुत ही स्पेशल मेमोरी है मेरे लिए. यानी ताली बजाने के लिए बहुत से लोगों ने ताली बजा दिया. जी, पहला दिन सेट पे. पहला दिन देखिए, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो उसका पूरा रस निकालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है. तो आई थिंक मैंने सिर्फ इंजॉय किया था. हम साथ शूट कर रहे थे, एक गाना था जो हमने रिलीज किया है, सुनो सुनो. तो हम वो परफॉर्म कर रहे थे एंड आई थिंक आई हैड अ ब्लास्ट, जस्ट एंजॉयड इट. फर्स्ट डे मतलब हम साथ में वो सॉन्ग शूट कर रहे थे और मैं ड्रम्स प्ले कर रहा था, अगस्त से गिटार प्ले कर रहा था. तो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, मतलब कम से कम हमने दो तीन महीने तो लगे थे. डायरेक्शन टीम को हम तंग कर देते थे ऊटी में भी कि प्लीज हमें वो रूम दो, बैंड रूम दो, हमें प्रैक्टिस करना है. जब भी फ्री टाइम मिल रहा है हमें प्रैक्टिस करना है. एंड आप लोग फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमने काफी अच्छा किया है. अच्छा सर, एक सवाल मुझे आपसे पूछना कि फर्स्ट डे आपने हमारा पूछा सेट पे कैसा था, बट मुझे जानना है कि आपका फर्स्ट डे ऑन द सेट्स ऑफ साथ हिंदुस्तानी कैसा था, वो बताइए. कुछ नहीं सर, क्योंकि जैसे कि आप लोग कह रहे हैं ना, घबराहट होती है, सब होती है, तो ये बड़ा कॉमन हो गया अभी, सबको यही बोलेंगे घबराहट होती है. तो हमें भी घबराहट हुई और मुझे भी कुछ पूछना था. आपको कैसे लगा जब आपको पता चला कि अगस्त्य आचीज में आची का कैरेक्टर प्ले करने वाला है? अच्छा, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, ये हमारे बेटी के बेटे हैं ये. हाँ, देखिए भाई साहब, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है. इनके पैदा होने के 5 मिनट बाद, माँ की कोख से 5 मिनट बाद जब ये निकले थे, तब हम इनको ऐसे पकड़े थे. फिर ये थोड़े से बड़े हो गए कि हम इनको गोद में उठा सकें, तो ऐसे गोद में ऐसे उठाए थे. तो इनकी एक आदत थी, ये एक उंगली से हमारी दाढ़ी ऐसे खोच रहे थे. फिर और बड़े हो गए, फिर कलाकार बन गए एक दिन. तो हमको बड़ा अजीब लगा. तो जब इन्होंने कहा कि ये कलाकार बनेंगे, फिल्मों में जाएंगे, तो हमारी तरफ से कभी भी कोई रुकावट नहीं थी. हमने कभी भी अपने बच्चों से नहीं कहा कि कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो. और इन्होंने अपना रास्ता खुद ही चुना है. हमारे परिवार में से किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए. आमतौर पर ये एक बिजनेस परिवार से आते हैं, उनको लगा था कि ये वहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ. और हम देखते रहते थे कि कभी हम लोग जिम में एक साथ जिम कर रहे हैं, तो टीवी लगाया हुआ हमने ताकि अलग अलग चैनल चलता है, उसमें दो एक चैनल हैं जो कि फिल्म के गाने वगैरह चलते हैं उसमें. इधर उधर कोई न्यूज़ हो या इधर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो, कुछ नहीं. अगस्त्य नंदा जो है देख रहे हैं, ये रणबीर कपूर कैसे नाच रहा है, ये रणवीर सिंह कैसे क्या स्टेप करेगा, ये अच्छा, ये ओहो अच्छा, ये अनुष्का शर्मा है, और ये यूज टू ओनली वॉच कि कौन क्या कर रहा है. तब से हमको पता चला था कि ये अपना रिहर्सल इसने शुरू कर दिया. अभी जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ इन्होंने सीखा था वो टीवी कैमरा से, वो संभव हो पाया कि नहीं. हमारी इस फिल्म के फैंस हैं, वो आप तीन जो हमारे सोफा पर बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे. तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज नाउ. Hi, this is Mercy Kilong, and we are from Manipur, and we have a question for Vedang. Hi, Vedang. Do you have a girlfriend? sir, iska sawal hai no. I don't have a girlfriend. I have a lot of friends that are girls, lekin girlfriend to nahi hai. Aur main thoda disappointed hoon. Mujhe laga maybe girl aur girlfriend mein kya antar hota hai? Sir, I think girlfriend. I think. I think steps होते हैं रिलेशनशिप में, तो
स्टेप्स होते हैं लेवल्स होते हैं लेवल्स होते हैं सो यू कुड से कि अगर एक फ्रेंड है जो वो जो गर्ल है उससे एक स्टेप ज्यादा होगा गर्लफ्रेंड अब कौन से लेवल पे हैं अभी अभी मैं पहले लेवल पे हूँ नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता ये जितनी महिलाएं थी जो आपसे अभी प्रश्न पूछ रही थी इनको आपने ना समझ समझ रखा है क्या ये सब इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप इस लायक हैं कि आपके होनी चाहिए गर्लफ्रेंड सर इसका आंसर अनफॉर्चुनेटली नहीं है होपफुली अगर कोई मिलती है टाइम विल टेल कोई जल्दी नहीं है मुझे अच्छा आपको मालूम है कि हमें कैसे लग रहा है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है क्योंकि आपके जो दो साथी उधर बैठे हैं सुहाना और अगस्त तो जैसे ही आपने कहा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सुहाना ने अपना मुंह छुपा लिया और उन्होंने अब हंसना शुरू कर दिया जो दिल्ली जाने वाले थे सर व्हाई डिड यू ऑल डू दिस थी कि वो क्या बोलने वाले हैं अच्छा नहीं नहीं बिकॉज़ यू नो सम फैक्ट्स अभी आपके जीवन में बहुत से इम्तिहान पास करने हैं इसलिए आज का इम्तिहान यही खत्म करते हैं और एक और वीडियो कॉल लिखा जाए अगला वाला देखा जाए एंड हमारा क्वेश्चन है आप अपनी बहन से सबसे ज्यादा किस बारे में लड़ाई करते हैं यार उनके तो बहुत सारे कपड़े होते होंगे ना ऑब्वियसली कपड़ों के बारे में ही करते होंगे ये हमारी तरह टीवी के रिमोट पे भी लड़ते हैं वो बताइए जरूर वो एक्चुअली सही है करती है कपड़ों के बारे में सिर्फ हम हमेशा हर दिन छुप छुप के एक दूसरे के कबर्ड के अंदर जाता है और कपड़े ड्रेसेस जूते ले लेता है और फिर जब वो मुझे पूछती है आपने मेरा ड्रेस पहना नहीं मेरा है या मैं बोलती हूँ और कुछ एक्टिंग करता है थोड़ा किसी से लिया हुआ है हाँ 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 और हम दोनों सेम साइज है जूते में कपड़े में तो हम आपस में बहुत चीटिंग करते हैं ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर एक ही घर में दो प्राणी एक ही साइज हो उनका कई घरों में नहीं एक प्राणी वहां बैठा है पीछे हाँ, जो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ जूता चप्पल कमीज पैंट सब चुरा लेता है ये ओके अब आप तीनों से हम कहेंगे नमस्कार और जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनको घोषित कीजिए कौन आएंगे आप ओके सर आई थिंक नेक्स्ट दो ही बचे हैं सुहाना एंड ज़ोया द कैप्टन और थर्ड कौन होगा आप ही रहेंगे और क्या अच्छा ठीक है ऑल राइट तो एक बार फिर जोरदार थालियां बज जाए डॉट के लिए और हॉट सीट के ऊपर यानी हॉट सोफा के ऊपर वेरोनिका आ गई ये हैं सुहाना जिन लोगों को ना पता हो सुहाना जी जो हैं ये शाहरुख खान की सुपुत्री हैं और बहुत ही सक्षम और सफल निर्देशक या निर्देशिका कहा जाए ज़ोया अख्तर जी और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें सुहाना जी जब घर में पता चला कि आप केबीसी में आने वाली हैं तो क्या सलाह दी शाहरुख साहब ने गौरी जी ने क्या सलाह दी और सलाह के अलावा हमारे बारे में उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कितना उन्होंने गलत चीजें बताई होंगी हमारे गलत तो कुछ नहीं कहा उन्होंने बट उन्होंने कहा कि आपको बस याद दिला दूं कि आपने उनके फादर का रोल प्ले किया है तो जस्ट आस्क मी इजी क्वेश्चंस तो वो याद रखना ओके उन्होंने बोल दिया है कि सही प्रश्न पूछना लेकिन अब क्या करेंगे खेला है इसमें तो अच्छे प्रश्न पूछने पड़ेंगे वेदांग आप बुरा मत मानिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिल जाएगी